बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ वो ये जो है पेन है, इसको साफ़ करने का तरीका। तो ये पेन वगैरह जो होते हैं किचन में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, आमलेट वगैरह बनाने के लिए, आलू चिप्स बनाने के लिए, और जो होता है फिर चौकस वगैरह गर्म करते हैं, जैसे पेन वगैरह में गर्म करते हैं तो उसकी कंडीशन घर में सब पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मेरे भी घर में इस पेन की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, जितना भी माँजा जाए फिर भी बनता है। तो मैं तकरीबन एक माह या 15 दिन के बाद इसको जो है मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो ये आप लोगों को भी तरीका बताती हूँ। पहले तो आप लोग जो है गैस खोल दें और जो इसमें आग जला दें, इस खाली पेन को जो इसके ऊपर रख दें और नहीं हो जाता बिल्कुल साफ़ होके न्यू हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और आप लोग देखिएगा, लेकिन साफ अगर वक्त अगर कुछ देर के बाद बहुत गर्म हो जाएगा। और जो है अभी जब साफ हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, इसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा साफ होने के लिए। तो जब गंद आ जाएगा वो साफ होता जाएगा, मैं आपको आगे की वीडियो दिखाती रहूँगी। ये देखिए इसकी अभी क्या कंडीशन हो गई है, ये चल रहा है इस तरीके से। बर्तन साफ करने के बहुत से तरीके होते हैं लेकिन कुछ मेहनत भी होती है, लेकिन इस जो तरीका मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस इस पेन को उठा कर या कोई भी बर्तन आपको साफ करना, चूल्हे पर रखते हैं, चूल्हे को खोलते हैं, लेकिन आस पास आप जरूर रहिए, बेफिक्र मत हो जाए क्योंकि आग जल रही होती है। वो जो है किचन में जरूर ख्याल करते रहें, लेकिन मेहनत बिल्कुल भी हमें नहीं करनी। ये चूल्हे में रखा हुआ है, इसके आस पास ही रहूँगी, इसको देखते रहें, कुछ देर इसका धूल बहुत निकलेगा, पूरा किचन जो है बहुत हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद धूल बिल्कुल खुल जाएगा। बर्तन जो है आपका पेन है, देखती है, कढ़ाई है, जो भी है वो जलती रहेगी, जलती रहेगी, बहुत बहुत साफ हो जाएगी। तो आप लोगों को देखना, आप लोगों की वीडियो दिखा रही है, आप लोगों के आपके सामने सामने ये पेन में आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे भी हो जाएगा और साफ है। वैसे तो कोशिश करके आप लोग जो है हाथ के हाथ बर्तन मांझ दिया करें, साफ कर दिया करें, लेकिन जिस बर्तन में ज़्यादातर ऑयल वाली चीज़ें बनती हैं तो वो इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं। तो फिर जो बर्तन ज़्यादा ख़राब हो तो आप लोग इस तरीके से चला कर उसको साफ़ कर दें, और कोशिश करके बर्तनों को हाथ के हाथ मांझ दिया करें, साफ़ हो जाएं। लेकिन जो बहुत ख़राब हो तो इस तरीके से चला कर आप लोग साफ़ कर दें। तो भी आप लोग आगे देखिएगा ये किस तरीके से साफ़ होता जाएगा, भी चलता जाएगा, साफ़ होता जाएगा। ये देखिए आप लोग इतना साफ़ हो गया है, इसी तरीके से चलता रहेगा, साफ़ होता रहेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। मेरे साइडी में तो खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, दूसरे चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, ये पेन जो रखा हुआ है ये जलता रहेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ना इसको मांझना है और ना ही साफ करना है, इस तरीके से बिल्कुल भी हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ऐसे ही अपने बर्तन जो है घर के साफ़ किया करें, बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन एहतियात करिएगा, आप वगैरह मत लगाइए, काफ़ी गर्म हो जाता है जल जल के। धुआं भी नहीं निकल रहा, बस जलता रहेगा, उसी तरह से साफ हो जाएगा, साफ भी हो जाता है। जो किचन में इस्तेमाल करेगा बर्तन जो कीड़े कीड़े से हो जाते हैं, यहाँ ये जो है जलने के बाद बिल्कुल पेन जो है सीधा भी हो जाएगा और जो है साफ भी हो जाएगा। ये देखिए आप लोग ऊपर से तकरीबन साफ हो गया है, साफ से जल रहा है, साफ हो जाएगा। आप लोग देखिए आप लोग पेन बिल्कुल साफ हो गया है, मशीन से भी ठंडा हो गया, धोकर आप लोग दिखाऊंगी। अभी चूल्हा बंद कर रही हूँ, ये ठंडा होगा तो बर्तन बन धोने वाला जो साबुन होता है वो साबुन जो है धोकर ये दिखाऊंगी। ये देखिए पेन बिल्कुल साफ हो गया है, सीधा भी हो गया है, इसकी साइडें जो टेढ़ी हुई थी वो भी सीधी हो गई है और बिल्कुल साफ हो गया है। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें चूल्हे में रख दिया और चूल्हा खोल दिया। ये देखिए पेन बिल्कुल साफ हो गया है, सीधा भी हो गया है, इसकी साइडें जो टेढ़ी हुई थी वो भी सीधी हो गई है और बिल्कुल साफ हो गया है। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा, चूल्हे में रख दिया और चूल्हा खोल दिया, सब उतर गया है और बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। किसी लगे आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी याद रखें।
मामला जो मेरा भी होता है वो दिया जो जलने के बाद जिसे बर्तन जो न्यू बनते हैं जिसे भट्टी में डाल के निकालते हैं शरबटी के यहाँ उसमें डाल के जो निकालते हैं बर्तन न्यू हो जाते हैं तो यही हिसाब किताब है जिसका सबसे ऊपर का मसाला उसमें गंदे से लगा हुआ